गुड मॉर्निंग जिले JK247 में आप सबका स्वागत है। आज जो न्यूज़ अपडेट है हमारे पास फ़िलहाल के लिए, पद्मा अंगमोजी जो IIS 2002 यहाँ पे उनको ट्रांसफ़र किया गया है, पोस्टिंग उनकी यहाँ हुई है एज ए सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी लद्दाख। उनके अंदर पांच डिपार्टमेंट को हेड करेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, टेक्निकल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स, और इन सबको वो डायरेक्ट करेंगे। और दूसरा हमारे पास अपडेट है मौसम का, जो कि लेह में काफ़ी कम बर्फ़ होती है। आज सुबह 5 बजे 1 से 2 इंच का यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। और ये जानते हैं कि लोग यहाँ पे जो ये वेदर चेंज के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आगे के लिए, ये जो बर्फ़ है कितना इरिगेशन आगे गर्मियों में कितना काम आने वाले हैं, और ये कितना खुश है इस बर्फ़बारी से, आइए जानते हैं। जी बताइए आपका नाम। जूले, मेरा नाम जगमित। तो आज जैसे कि सीज़न का पहला बर्फ़ गिरा है, अच्छा लग रहा है, सीज़न का फर्स्ट बर्फ़ गिरा। हमारे जो किसान भाई लोग हैं उनके लिए और भी अच्छा रहेगा, आने वाले सीज़न में जितना जितना बर्फ़ गिरेगा इस विंटर सीज़न में उतना उनके लिए फ़ायदा रहेगा। हाँ जी मैम। जी, तो जैसे हम बेसिक कमोडिटीज़ की बात करते हैं, सब्ज़ी फ्रूट्स की बात करते हैं, तो कितनी दिक्कतें होती हैं आपको, आम जनता को, क्योंकि जो फ्रेश वेजिटेबल्स जितना हमें यहाँ नहीं मिल पाता है, तो कितना दिक्कतें आपको सामना करना पड़ता है उस चीज़ से? अभी तो मैम हम तो वैसे भी जहाँ तक देखे, आपको भी पता होगा मैम, लेवासी ड्राई पल्सिस पे गुजारे करते हैं मैम, तो फ्रेश वेजिटेबल तो मुमकिन नहीं है। आते हैं भी तो वो केजी का बहुत ले जाते हैं मैम, अभी तो फ्रोजन ही मिल रहा है मैम, तो इसी वजह से हम तो वही पल्सिस पे गुजारे करते हैं मैम। यस मैम। तो जैसे कि आपने सुना है कि यहाँ पे जो है जो फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स की काफ़ी दिक्कतें रहती है, जो ड्राई जो स्टॉक किए जाते हैं गर्मियों में उसी चीज़ पर हम सर्वाइव करते हैं। और जहाँ लद्दाख पुलिस की बात की जाए तो हर एक मुश्किल में वो सामने आके लोगों की मदद करने से नहीं चुकते हैं। तो जैसे कि यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ी है आज सड़क पे, तो आपने काफ़ी यहाँ पे जो सड़कों पे लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो उसके लिए आपने काफ़ी मिट्टी विट्टी डाले हैं ताकि गाड़ियाँ स्लिप ना हो, तो उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी दें। जी हाँ मैडम, आज जो ना 2021 का पहली बर्फ़बारी जो है लद्दाख में हुए हैं, ये बहुत ही लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि आज तक जो है अभी तक जो है कोई बर्फ़ नहीं पड़ी थी, तो ये इस साल का नया बर्फ़ और देखने को मिला है लोगों को। तो आज इस बर्फ़ की वजह से जो है तमाम गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए सड़कें जो है स्लिपी हो गया है, जो स्लिप खाने का जो है ये थोड़ा सा खतरा बन गया है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है थाने के हम कर्मचारी हैं, तो हमारे SHO साहब के जो है हुक्म के मुताबिक हम सब यहाँ लोगों को तकलीफ़ ना हो और गाड़ियों की आमद रफ्त जो है बिल्कुल अच्छी तरह से स्मूथली चले, इसके लिए हमने जो है मिट्टी डालने का जो है साहब का जो है हुक्म हुआ, तो उसके हुक्म के तामिल करते हुए हम सारे ऑफिसर SHO साहब और हमारे थाने के पूरे जवान जो है ना यहाँ सड़क को मिट्टी लगाने में लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ उतराई है, जहाँ गाड़ियों की स्लिप खाने का खतरा है, वहाँ वहाँ हमने सुबह से जो है गाड़ियों की आमद रफ्त से जो है पहले हमने मिट्टी लगा के तैयार किया है, ताकि जो है कोई किसी जानो माल को नुकसान ना हो या गाड़ियों की जो है नुकसान ना हो, स्लिप ना खाए। बहुत एक्साइटेड है हम लोग, ये और बर्फ बहुत पसंद है हम लोग, ये विंटर में ये सब मतलब फ्रेंड के साथ ये खेलने के लिए। आइए और लोगों से जानते हैं कि इस पहले बर्फ़ का कितना ये इनको खुशी है कि ये जो वेदर चेंज आया है ले में, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, तो आइए जानते हैं आप कितना खुश है इस बर्फ़ से, कितने यहाँ लोगों को हमें थोड़ा जानकारी दे। मैम सबसे पहले तो मतलब ये पहले फर्स्ट टाइम जो बर्फ़ यहाँ पे हुआ है, इससे लोगों में बहुत खुशी है, जो कि यहाँ पे पानी की बहुत कमी रहता है, और इससे मतलब इस इलाके में थोड़ा पानी का जो है वो लोगों को आज जो समर में काफ़ी फ़ायदे होंगे, और बाकी तो सब लोग बहुत खुश है। बाकी
जैसे कि आप सबने सुना है कि लोग यहाँ कितने खुश हैं इस पहले बर्फ से यहाँ पे पानी की, उनको यही उम्मीद करते हैं कि जो इस बार पानी की किल्लत है वो थोड़ी कम हो। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजुअल में कि लोग कितना खुश हैं, फ़ोटोज़ लिए जा रहे हैं, स्की कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इस बार कितने खुश हैं। तो बाकी अपडेट के साथ आपके सामने दोबारा आएंगे, और फिलहाल के लिए रिगजिन रंगमो निसार हुसैन JK247 के लिए लेह लद्दाख से।